गड्ढों से एलर्जी है। अरे हाँ, बड़ा ही अजीब सा मौसम हो रहा है टिगर। क्या मतलब पू भाई? लगता है कि बारिश हो रही है हैफलम्स और वूजल्स की। घर का रास्ता दिख रहा है पिगलेट? नहीं। तो क्या दिख रहा है? पेड़ों की चोटियाँ और बहुत सी नीचे खाई। अब हम क्या करेंगे पिगलेट? मम्मा मदद के लिए पुकारो। बचाओ! ये मेरा लकड़ी का ढेर है, मैंने पहले देखा। वो लकड़ी का ढेर नहीं, मेरा घर है। नहीं, ये मेरा है, मेरा है, मेरा घर है। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मुझे नहीं, मेरे मुझे बचाओ, बचाओ मेरा बच्चा। पिगलेट बचाओ, बचाओ। वो रहे देखो, हम फंस गए और उतर भी नहीं सकते। डरो नहीं, पापा हैफलम्ब है यही। हट जाओ, हट जाओ। टिगर लोग एक्सपर्ट होते हैं पैर चलने में। हटो रे, हट जा रहे हो। हट जाओ रे, मैं कह रहा हूँ हट जाओ। चल रहे हो, हट जाओ मेरे हाथ से। हट जाओ, तुम तो बहुत ऊपर हो। तो याद नहीं है तुम्हें? तो ऊंचाइयों से एलर्जी है। ऊंचाई से भी? हाँ, मेरा बच्चा, अब क्या करेंगे पू? हमें जरूरत है टीम वर्क की। याद रहे सबको तीन की गिनती पर। एक, तीन। अब नीचे उतर सकते हैं? नीचे? शाबाश फालू भाई, यही तरीका है अपना फ्रॉग चबाने का। उड़ी बाबा, कैंपिंग ट्रिप के लिए बहुत सी उड़ाने भर ली मैंने। हाँ, और बहुत लैंडिंग्स भी की। सॉरी, हमने सोचा तुम्हारा घर एक लकड़ियों का ढेर है मिस्टर हैफलम। मिस्टर हफ हफलम, हम लोग सवेरे उसे ठीक कर देंगे। सो तो करना ही होगा। ये सब एक बड़ी गलत फहमी थी। पनीर टिक्का लोगे? थैंक्स। ओफो पापा, पनीर टिक्का? तो याद नहीं है क्या? ओ हाँ। हेलो, क्या क्रिस्टोफर रॉबिन घर पर है? बुद्धू भालू, मैं ही हूँ। अरे तो वो कौन है? गुब्बारा है तू, वही रबर और हवा से बना हुआ। ऐसा है तो क्या मैं इसे घुमाने ले जाऊँ? हाँ, मगर सावधान रहना, कहीं ये फूट ना जाए। मैं तो इसकी ऐसी देखभाल करूँगा जैसे ये हो मधु। तब तो ये सुरक्षित हाथों में है।